अभी हाल में जैसे लालू जी ने पर्सनल मोदी जी पे अटैक किया है, बड़ी बात नहीं है वो क्या? देखिए, लालू जी के बयान पर कोई टीका टिप्पणी करना बेमानी है। लालू जी अपने बयानों और इस तरह के वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा घुन है, दीमक है, जो राजनीति को सिरे से बर्बाद कर रहा है। राजनीति ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर आप परिवारवाद ही कर देंगे कि सिर्फ नेताओं के बच्चे ही नेता बनेंगे, तो उससे तो आपने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। लालू जी और मोदी जी की बात छोड़ दीजिए, हम आपको बिहार का एक आंकड़ा देते हैं जो मोदी जी नहीं बोल रहे। बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने लोग सांसद और विधायक बने हैं, किसी भी दल से बने हो, वो सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहां विधायक और सांसद बने हैं। दल कोई भी हो, आप लालू जी के परिवार, रामविलास जी के परिवार की बात करते हैं, आप अपने स्तर पर देख लीजिए, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है, कोई ऐसा लोकसभा नहीं है जहां 2-4-5 परिवारों का दबदबा नहीं है। मैं अभी आपको एक उदाहरण देता हूं, मोदी जी को अभी आ रहे हैं चंपारण में, तो उनको इस पर बयान देना चाहिए। परिवारवाद के खिलाफ में है भाई। बिहार में भाजपा का अध्यक्ष कौन है? सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी कौन है? इनके बाबूजी हैं शकुनी चौधरी। आप बिहार को होने के नाते इस बात को समझिए, इतने हल्के में मत समझिए कि इनके बाबूजी थे तो हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं। परिवारों का कैसे यहां के राजनीति पर कब्जा है, मैं वो समझा रहा हूं। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी उस समय विधायक और मंत्री थे। जनता कांग्रेस से नाराज हुई, लालू जी का शासन लेकर आई, तो शकुनी चौधरी जी लालू जी के भी शासन में विधायक और मंत्री बन गए। जनता लालू जी से नाराज हुई, नीतीश जी का शासन लेकर आई, तो शकुनी चौधरी जी नीतीश जी के भी सरकार में विधायक और मंत्री बन गए। जनता ने जब नीतीश कुमार को हराया, मांझी जी मुख्यमंत्री बने, तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक और मंत्री रहे। और आज अगर भाजपा को वोट पड़ रहा है, तो भाजपा को भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। तो आप समझ रहे हैं कि हम कांग्रेस को हराए, लालू जी को हराए, नीतीश को लाए, मांझी को लाए, भाजपा को लाए, लेकिन एक ही परिवार है जो कि रूल कर रहा है। तो ये आंकड़ा याद रखिए, कोई नेता कोई दल ये बताता नहीं है। बिहार की आबादी है 13 करोड़, यहां 3.5 करोड़ परिवार रहते हैं, और पिछले 30 वर्ष में कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, रामविलास जी की पार्टी, लेफ्ट की पार्टी, सबको, भाजपा सबको जोड़िएगा, तो 3.5 करोड़ परिवारों में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहां विधायक सांसद बने हैं। होता यह है कि जब जिस दल का हवा चला उसी में सब जाकर बैठ गए। जनता लाचार है, नए आदमी को अवसर ही नहीं है, विधायक का लड़का ही विधायक बनेगा, पैसे वाले का लड़का मंत्री जी का लड़का मंत्री बनेगा, और जो बिहार के बच्चे हैं उनको अवसर ही नहीं। अगर आपको राजनीति करनी है, बहुत काबिल है, तो जाके झंडा ढोइए, संगठन का काम लीजिए, चुनाव लड़ने का, विधायक सांसद बनने का आपको अवसर नहीं। इसीलिए जन सुराज में आपने एक ये परिकल्पना का हिस्सा है, 1 लाख बच्चों को, आपने सहरसा में भी देखा होगा, मैंने क्लब बनवाना शुरू किया है, हर पंचायत से 8 से 10 बच्चों को, जिनके बाबूजी बड़े आदमी नहीं है, जिनके बाबूजी विधायक मंत्री सांसद नहीं है, ऐसे बच्चों को जन सुराज चिन्हित कर रहा है, उनको प्रशिक्षित कर रहा है, इस लक्ष्य से कि अगले 3 से 5 वर्ष में इनका प्रशिक्षण और चुनाव लड़ने की व्यवस्था उनकी योग्यता के अनुसार जन सुराज से किया जाएगा, ताकि ये बच्चे आए राजनीति में, मुखिया बने, वार्ड सदस्य बने, प्रमुख बने, विधायक क्षमता हो तो विधायक मंत्री बने, ताकि इन परिवारों का वर्चस्व खत्म हो। ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण है, और सिर्फ नारेबाजी करने से और आक्षेप लगाने से नहीं होगा। भाजपा के आज जितने 75 विधायक हैं बिहार में, वो भी आप देखिएगा, वो सब किसी न किसी परिवार का ही आदमी है, एक दूसरे पर दोषारोपण, ये पूरी व्यवस्था को ही घुन लग गया है। आप जरा समझिए, अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो आप और हम सचिन तेंदुलकर को कहां देखते? अगर सचिन तेंदुलकर का लड़का ही क्रिकेट में रहेगा तो विराट कोहली और रोहित शर्मा कहां से आएंगे? अगर विराट कोहली का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो नए लड़के सूर्य कुमार यादव कहां से आएंगे? लोकतंत्र को इन लोगों ने, इन दलों ने खत्म कर लिया है, कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया, और सिर्फ ये दल विशेष की बात नहीं है। अब ये बात नहीं रह गई कि खाली कांग्रेस में परिवारवाद है,
कि लालू जी में परिवारवाद है, इसका जड़ इतना नीचे फैल गया है कि हर आदमी चाहता है मैं विधायक रहूं, मेरे नाम मेरा बच्चा बनेगा, कोई आदमी इससे अछूता नहीं है, कोई दल अछूता नहीं है।